चालीसवां वार्षिक मेला एलजीएफ जो है एक बड़ा लंबे सफर से गुजरा है और हम लोगों ने पहले मेले की शुरुआत जो कि 1994 में की थी लगभग 200 निर्यातकों से उसको शुरू किया गया था। आज 3200 से अधिक निर्यातक इसमें भाग ले रहे हैं। इस मेले में मैं आपको पहले अपने जो मेरे साथ ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुलीग्स हैं, उनकी मैं परिचय कराना चाहता हूँ। श्री ओम प्रकाश प्रधान का, ये जो महिला उद्यमी हैं हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट की, ये पूर्वोत्तर राज्य से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं और नागालैंड से हैं। हस्तशिल्प का निर्यात जब हम बार बार आपसे कहते हैं कि पूरे भारत से होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मुरादाबाद, सहारनपुर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली यहीं के निर्यातक बार बार अध्यक्ष या ऐसे पदों पर साथ में आते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के हमारे जो बंधु हैं उन लोगों ने पिछले सालों में बड़े बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया। और आपने देखा होगा एक नॉर्थ ईस्ट का पवेलियन यहाँ लगता है, जस्मीना जी का उसमें बहुत ही अहम योगदान रहा है और उन्होंने पिछले सालों में नॉर्थ ईस्ट के निर्यातकों को, उद्यमियों को आगे बढ़ाया है। उसके चलते जस्मीना जीलिंग जो है आप हमारे मेले की इस अध्यक्ष भी हैं और इनका नागालैंड के बाहर लगभग 4 पूर्वोत्तर राज्यों में अपने शोरूम्स और वहाँ इनकी कंपनीज हैं, तो एक अच्छे बड़े उद्यमी के तौर पर वहाँ उभर करके आई हैं। मैं बताना चाहूँगा जस्मीना जी इस फेयर से ही निर्यातक बनी है, पहला मेले में भाग लिया और पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ईपीसीएच के प्रमोशन में इनके साथ जुड़ करके इनको मिला है। तो बेसिकली हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि हमने जिस तरह से नए एंटरप्रेन्योर्स को इसमें उभारा है, ये उसका प्रतीक है। इसके साथ एक और जो हमारे साथ यंग चेहरे हैं, सागर मेहता जी, आप ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन हैं और मेरे साथ बंधु बैठे हैं श्री रवि के पासी जी, आप भी ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन हैं, दोनों दिल्ली बेस्ड उद्यमी हैं। नावेदुर रहमान साहब जो हैं आप हमारे मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पहले फेयर प्रेजिडेंट रहे हैं, और नावेदुर रहमान साहब जो हैं आप बड़ौदा स्कूल ट्रस्ट के भी प्रेजिडेंट हैं। हमारे अशोक अरोड़ा जी हमारी सीओए के मेंबर्स हैं, प्रिंस मलिक दिल्ली के निर्यातक हैं, सीओए मेंबर हैं, अशोक अरोड़ा जी बड़ौदा के निर्यातक हैं। और हमारे फेयर का जितना भी काम है, बेसिकली मैं तो आपके सामने एक चेहरा हूँ, लेकिन वास्तव में पीछे से जो कार्यक्रम होता है सारा और जिसको संयोजन का काम करते हैं हमारे श्री आर के वर्मा जी हैं। आर के वर्मा जी हमारे डायरेक्टर फेयर हैं और डायरेक्टर ईपीसीएच हैं। हमारे राजकुमार रोहत्रा जी फॉर्मर चेयरमैन ईपीसीएच, फॉर्मर एक्सपो मार्ट चेयरमैन रहे हैं और आपका अहम योगदान रहा है, दिल्ली के निर्यातक हैं, गुड़गांव में फैक्ट्री है आपकी। डी कुमार जी फॉर्मर चेयरमैन ईपीसीएच रहे हैं, मेंबर बोर्ड है आईएमएल के, एक्सपो मार्ट के, आपके भी बहुत बड़ी भागीदारी रही है, आप पिछले पूर्व वर्षों में इनसे मिलते रहे होंगे। श्री अपने गोयल जी, वीएस गोयल जी लकड़ी के बड़े निर्यातक हैं और आप भी पूर्व में पहले अध्यक्ष रहे हैं फेयर के, तो आपसे सभी जो हमारे फेयर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो तो क्या कल आपको देखने को मिलेंगे 3350 निर्यातक, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस फेयर को बहुत तेजों में ये फेयर अपने आप में एक नए आयाम सिद्ध करने वाला है। फेयर का जो थीम है वो हमने महात्मा गांधी जी का 150 वर्ष जो गांठ शुरू हुई है हमने उसके उपलक्ष्य में इसको पूरी तरह से समर्पित किया है। और महात्मा गांधी जी क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में, हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में उनका बहुत रुचि रही, चरखा काटने का जो पर्पस था वो ये था कि मैं जब भी बैठूं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं नेशन के लिए, और साथ में जब भी कोई खत पड़ते थे, मुझे एक छोटा सा जो बचपन में हमारे स्कूल में बताया जाता था कि गांधी जी को किसी ने एक पत्र लिखा, 3 पेज का पत्र, बड़ा कटु पत्र था, उसमें उनको उनके प्रति काफी बातें की गई थी, उल्टा सीधा लिखा गया था, उसके साथ उस पत्र को संलग्न करने के लिए एक ऑल पिन लगाई गई थी, क्योंकि पुराने टाइम में आज का स्टेपलर है, पहले ऑल पिन लगाई जाती थी,
ऑफिसर्स को लगाया गया था। तो गांधी जी ने पत्र देखा, उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि ऐसे पत्र को तो रद्दी की टोकरी में डालना चाहिए और ये तो बहुत गलत चीज लिखी है और इसमें तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब चीजें वेस्ट नहीं होती है, इसमें काम की चीज है। उन्होंने और भी निकाली और भी अपने वहां मकसूद में रख ली, जगह में रख ली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर काम की चीज है, ये रिसाइकल हो सकती है, इसका तो मैं दोबारा सेकेंड टाइम फिर सदुपयोग कर सकता हूँ। तो ये रिसाइकल की जो बात थी, सस्टेनेबिलिटी की जो बात थी, ये महात्मा गांधी जी ने उसको उपयोग भी किया। जिस तरह से आज हम गोबर खाद की सब की बातें करते हैं, वो उन्होंने अपने यहाँ आश्रम में सब चीजें खुद अनुभव की और की। और हम उस रिसाइकल और सस्टेनेबिलिटी को इस वेयर का हमने थीम बनाया है। आपको बहुत सस्टेनेबिलिटी के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ। अभी आप जो हमारी सीएफपी बिल्डिंग में इस बार देखेंगे, ऊपर जो हम एक सीलिंग लगाते हैं हर बार, वो एक बड़ी विशेष मानी जाती है। इस बार वो हैंडमेड पेपर की है, तो यानी कि जितना भी कपड़ा बनता है और उसकी जो कतरने जगह जगह निकलती हैं, उसको द्वारा उसकी लुकी बना करके उससे हैंडमेड पेपर बनता है, तो वो रिसाइकल्ड होता है बेसिकली, सारा डीबायोग्रेडेबल होता है। तो हम सस्टेनेबिलिटी को पूरी तरह से सारे फेयर के अंदर में सस्टेनेबिलिटी का मैसेज दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो अगले 5 साल हैं, पूरे विश्व में सस्टेनेबिलिटी के प्रोडक्ट ही थीम बनकर के सामने आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सस्टेनेबिलिटी के प्रोडक्ट से थीम का मतलब है गो ग्रीन। तो आज से 5 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था और गो ग्रीन पे हमने काफी काम किया, बैंबू भी उसी का नतीजा था। और हमारे प्रयासों के चलने से भारत सरकार ने जो बैंबू को पहले ट्री मानते थे उसको अब ग्रास डिक्लेयर किया, और ग्रास डिक्लेयर करने से जो उसमें फॉरेस्ट के लॉस थे, जो आड़े आते थे, वो सब लॉस जो है उसमें खत्म हुए। उसमें अब हम बैंबू को बड़ा खुला उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गो ग्रीन से आगे जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, वो मॉडल बेसिकली है जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए तो हम ही लोग सस्टेनेबल शुरू से थे, पत्तल में खाते थे, कुल्हड़ में पानी पीते थे। तो दुर्भाग्यवश हम लोगों ने वेस्ट को अपनाया और वापस घूम के वही साइकिल आ गया कि एनवायरनमेंट या अभी जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं उससे बचने के लिए सस्टेनेबिलिटी में हैंडीक्राफ्ट का विशेष योगदान। इस साल फेयर में अधिक बाहर देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारे चेयरमैन और हमारे जो ट्रेड के मेंबर्स हैं वो आपको बताएंगे क्या क्या काम होगा, ये आपने हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इस साल फेयर है, जब आप सेकेंड या थर्ड डे हमारे एग्जीबिटर से बात करेंगे तो आपको उनसे इंटरव्यू में मिलेगा कि ये अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और ये एक नए माइलस्टोन अचीव करेगा, ऐसा ये फेयर होने वाला है। तो मैं चाहूँगा अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि फेयर के बारे में खुलासा करें और उसके बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।